हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, तो ये थर्ड ईयर का अभी हमने एक वीडियो पहले ही अपलोड की है पॉलिटिकल साइंस की। अभी जो लेकर आए हैं आपकी जो इकोनॉमिक्स का आपका पेपर होना है, और पेपर का नाम है विकास और योजना की अर्थव्यवस्था। तो इकोनॉमिक्स का ये पेपर है, ये आप देख लीजिएगा, ये फर्स्ट पेपर है या सेकेंड पेपर है। तो क्वेश्चन बैंक में ये नहीं लिखा है कि कौन सा ये पेपर है, तो इसको आप देख लीजिएगा कौन सी उससे है, ये फर्स्ट पेपर से है या सेकंड पेपर से है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये बीए थर्ड ईयर का पेपर है। और यहाँ पर वैसे हम जो है चार ही सब्जेक्ट की तैयारी कराते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती हैं तो कहीं ना कहीं से अरेंज करके आपके लिए क्वेश्चन बैंक और इंग्लिश के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं वो अरेंज करके हम अपलोड करते हैं। तो प्लीज़ इन दोनों के लिए आप ज़्यादा प्रेशर मत बनाए कीजिए, इंग्लिश और इको के लिए, क्योंकि ये अरेंज हमें करने पड़ते हैं। बाकी जो चार सब्जेक्ट हैं उनके हम ही खुद तैयार कर कर आप तक पहुँचाते हैं। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स को, जो कि इतनी मेहनत के बाद और आप तक इतना पहुंचाने के बाद एक लाइक शेयर तो कर दिया कीजिए। अब यहाँ पर पहला प्रश्न आपका बन रहा है यूनिट वाइज, यहाँ पर क्वेश्चंस हैं आपके सारे। तो यूनिट वन से क्वेश्चन बन रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं, राष्ट्रीय आय को भी परिभाषित कीजिए। हाँ, इतना हम ज़रूर कर सकते हैं कि जो आपके सैम्पल पेपर हैं थर्ड ईयर के इको के, तो वहाँ से आपको तैयारी करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा अभी टाइम चाहिए हमें, जल्दी ही अपलोड करेंगे। जैसे जैसे आपके पेपर आते जाएंगे तो एक दिन या दो दिन पहले आप तक सैम्पल पेपर के थ्रू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पहुँचाते रहेंगे। जैसे हमने हिंदी का आपको एक दिन पहले बताया था कि यहाँ यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आप सिर्फ देखते भी हैं तो देखने के बाद भी आप अपने आंसर अगले दिन अटैम्प्ट कर सकते हैं। तीन चार दिन पहले आप करेंगे तो आपके भी याद नहीं रहेगा। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, प्रोफेसर मायर के अनुसार आर्थिक विकास को परिभाषित कीजिए, हम प्रति व्यक्ति आय कैसे माप सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं, आर्थिक विकास और आर्थिक विकास के बीच अंतर बताइए। ठीक है, यहाँ पर पूछा है आर्थिक विकास और आर्थिक विकास के बीच अंतर बताइए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, मानव विकास क्या है, हम मानव विकास के माध्यम से मानव विकास को कैसे माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट यूनिट से ही, अल्प विकसित देश की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो इस प्रकार से फर्स्ट यूनिट से आपके ये पांच क्वेश्चंस तैयार हो गए हैं। चलिए चलते हैं सेकंड यूनिट पर। सेकंड यूनिट में जो है पहला क्वेश्चन क्या जा रहा है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जा रहा है, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के अनुसार विकास के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। फिर यहाँ पर है स्कूपेंटर की थ्योरी आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर थ्री है कि दृष्टि की व्याख्या पर, थोड़ा ये जब हम क्या करते हैं, हम जब इंग्लिश से इसको ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में, इंग्लिश का भी मैं आपको जो दे दूंगी, पहले हिंदी का देख लीजिए, तो आपका जो हिंदी में थोड़ा बहुत इधर उधर हो चुका है ये ट्रांसलेट की वजह से, तो इसको थोड़ा आप समझ लीजिएगा, क्योंकि इको और इंग्लिश हमारे अटैच में नहीं है, फिर भी हम आपके लिए अपलोड करते हैं, तो थोड़ा इसको आप समझा कीजिए कि आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं, तो थोड़ा आप भी इसमें हेल्प की करना हमारी। आगे है, केन सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक विकास का वर्णन कीजिए। अब ये क्वेश्चन थ्री यहाँ पर बीच में आ गया, लेकिन ये यहाँ पर आना था। तो ये है कि थ्योरी की दृष्टि की व्याख्या करें, ठीक है, इसको हटा दें तो पूरा प्रश्न आपका देखिए बन रहा है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, केस सिद्धांत के परीक्षण में आर्थिक विकास का वर्णन करें। तो इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है। क्लियर हो चुका आप सबका, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोसेटिन रोडन के बिग पुश थ्योरी पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। फिर आगे क्वेश्चन है, हार्वे लिम्बस्टीन के महत्वपूर्ण न्यूनतम प्रयास सिद्धांत को दर्शाता है। तो इस प्रकार से ये यूनिट टू में भी आपके फाइव क्वेश्चन आप तक पहुंच गए हैं, मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं थर्ड यूनिट की तरफ।
थर्ड यूनिट में प्रश्न पूछा गया है, पहले आर्थिक नियोजन क्या है, आर्थिक नियोजन के लिए उनकी आवश्यकताओं और उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक, विकेंद्रीकृत और सांकेतिक नियोजन रणनीतियों पर एक वर्णनात्मक नोट लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सफल योजना के लिए नीतियाँ क्या हैं, तीसरी दुनिया के देशों में क्या योजनाएँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन जुटाने की प्रक्रिया को परिभाषित करें। तो इस प्रकार से आपके तीन यूनिट में, तीसरी यूनिट से भी आपके पांच क्वेश्चन आप तक पहुंच चुके हैं। तो इस प्रकार से आपके पास कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, 15 क्वेश्चन आ चुके हैं। अब चलते हैं फोर्थ यूनिट की तरफ। फोर्थ यूनिट में जो आपका पहला क्वेश्चन बन रहा है, नियोजन की मुख्य तकनीकें क्या हैं, श्रम गहन और पूंजी गहन प्रौद्योगिकी में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर है, नेस्ट पूंजी उत्पादन अनुपात की गणना करें और इनपुट आउटपुट विश्लेषण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये बीच में आ गया है, विश्लेषण का विश्लेषण करें, दो बार ये विश्लेषण का विश्लेषण आ रहा है। फिर आगे क्वेश्चन है आपका, अब 3 क्वेश्चन आप यहाँ डाल सकते हैं इस जगह पर, ठीक है, ये बीच में आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से शुरू हो चुका है, आर्थिक विकास में मौद्रिक और राजकोषीय की क्या भूमिका है। इको के साथ पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही है, इको का हमने जो है जब पहले पेपर डाला तो वो भी आगे पीछे हो गए पेपर सारे। अब इको का क्वेश्चन बैंक लेकर आए तो ये भी, वैसे ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत नहीं है क्वेश्चन बैंक में। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास में मौद्रिक और राजकोषीय की क्या भूमिका है। फिर है, हम भारत में विदेशी पूंजी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 5, चलिए थोड़ा इसको वैसे कर देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, आर्थिक विकास और कल्याण के प्रभाव के एक इंजन के रूप में विदेशी व्यापार, इस पर अपना विजन दे। अच्छा प्रश्न है, बन सकता है एग्जाम में। लास्ट यूनिट पर आ चुके हैं प्रश्न, यहाँ पर देख लेते हैं क्या बन रहा है। फिफ्थ यूनिट में फर्स्ट, क्षेत्रीय विकास अवधारणा क्या है, क्षेत्रीय विकास के मुख्य संकेतक क्या हैं। अच्छा प्रश्न है, मुझे लगता है बन सकता है एग्जाम में। क्षेत्रीय विकास का महत्व और समस्याएं क्या हैं, मुझे लगता है ये 100% आपका क्वेश्चन बनेगा। क्षेत्रीय असमानता संकेतक क्या हैं, आर्थिक पिछड़ेपन और क्षेत्रीयता के कारणों को परिभाषित कीजिए। तो इस प्रकार से ये 3 क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ फिर बीच में आ चुका है, नहीं बीच में नहीं आया भाई, सही है, क्वेश्चन नंबर 2 यहीं तक है, ये 3 यहाँ से शुरू हो चुका है। क्षेत्रीय असमानता संकेत तक क्या हैं, आर्थिक पिछड़ेपन और क्षेत्रीयता के कारणों को परिभाषित कीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 पर असंतुलन, ये ऊपर आ चुका है, तो असंतुलन विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, सिंचाई, वन संसाधनों की परिभाषित करें। उत्तराखंड पर्यटन को परिभाषित कीजिए, उसकी अर्थव्यवस्था के विकास की संभावनाएं एवं नीतियां लिखिए। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका बन गए 5 यूनिट से, 5-5 प्रश्न, 20 क्वेश्चन आप तक पहुंच चुके हैं। और मुझे लगता है इन 20 क्वेश्चन में से आपका जो है क्वेश्चंस आएंगे ही। पेपर का नाम सब नोट कर लीजिए, विकास और योजना का, योजना की अर्थव्यवस्था, इसका जो इंग्लिश वर्जन है, BA सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का मैं शॉर्ट में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, बने रहिए और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक और कमेंट भेजते रहिए।